हेलो, दिस इज उजाला कटारिया एंड यू आर वॉचिंग योगा लाइफ। आज मैं आपके साथ कपाल भाती के बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगी। एक्चुअली इट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ प्राणायाम। कपाल भाती जो एक्चुअल में ये जो योग में छः प्रकार के षट कर्म्स होते हैं, छः क्रियाएँ होती हैं, उनमें इसको इंक्लूड किया जाता है। कपाल मीन्स स्कल एंड भाती मीन्स शाइनिंग। एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ कपाल भाती हमारे जो मेमोरी है वो शार्प होती है, जो स्कल है उसकी एक तरह से शाइनिंग होती है। तो ब्लड का जो लेवल है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो हेड की तरफ अच्छे से होता है और हमारे माइंड का और हमारे स्टमक का जो है वो बहुत ही एक गहरा संबंध है, दोनों का डीप रिलेशन है। तो कपाल भाती का डाइजेशन पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो ऑटोमेटिकली अगर कोई गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, तो सर भी हल्का रहेगा। दोनों का आपस में कनेक्शन है। इसलिए विद द हेल्प ऑफ कपाल भाती वी कैन इम्प्रूव आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, इवन स्टिम्युलेट द किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, और ये हमारे लंग्स पे भी काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। विद द कपाल भाती हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकालते हैं। कपाल भाती में क्या होता है, हम सबसे पहले एक लंबा गहरा श्वास लेते हैं, उसके बाद हम एक्सहेल करते रहते हैं। जो इनहेल का प्रोसेस होता है वो नेचुरली होता है, आपका जो पूरा फोकस है वो आपके एक्सहेलेशन पर रहेगा। एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, जब हम योगिक ब्रेथ करते हैं उसमें सांस भरते हुए हमारा पेट जो है वो एक गुब्बारे की तरह फूल जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो पेट जो है वो अंदर की तरफ चला जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो कई लोगों का उल्टा होता है, इनहेल करते हुए पेट अंदर चला जाता है और एक्सहेल करते हुए पेट वो उनका फूल जाता है। ऐसा नहीं करना है। इस चीज़ को ठीक करने के लिए आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, अपना राइट हैंड अपने स्टमक पर रखिए, इनहेल करते हुए अपने पूरे पेट को फुलाना है डीप ब्रीदिंग करते हुए, देखेंगे किस प्रकार। एक्सहेल, पेट को पूरा अंदर स्क्वीज करना है इस तरह। इनहेल में गुब्बारे की तरह पेट फूलेगा, एक्सहेल में पेट पूरा पिचक जाएगा। तो जब हम कपाल भाती करेंगे उसमें भी एक्सहेलेशन करते हुए पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ना है, उसको स्क्वीज करना है, और जो ब्रीदिंग जो करनी है वो दोनों नोस्ट्रल के साथ करनी है। एक्सहेलेशन दोनों नोस्ट्रल के थ्रू होगा, मुंह नहीं खोलेंगे। बैक शुड बी स्ट्रेट, नेक शुड बी स्ट्रेट। आप किसी भी एक कंफर्टेबल पोज में बैठ जाएं, चाहे तो क्रॉस लेग बैठ जाएं, सुखासना, अर्ध पद्मासना और सिद्धासना, चाहे तो वज्रासना में भी बैठ सकते हैं। कमर गर्दन सीधी रहेगी, ऐसे बेंड करके नहीं बैठेंगे। तो बढ़ते हैं इसके विधि की तरफ, कैसे करेंगे। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें, अपने आप को पूरी तरह प्रिपेयर करेंगे कपाल भाती करने के लिए। इस क्रिया को करने के लिए सबसे पहले 3 से 4 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे। बॉडी को पूरा रिलैक्स छोड़ दें, ढीला छोड़ दें कंधों को। पैनिक होकर नहीं करना है, फेस पे स्माइल रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ 10 स्ट्रोक्स करके दिखाऊंगी। एक गहरा श्वास लेना है, तो ये मैंने अभी आपको सिर्फ 10 टाइम्स करके दिखाया। अगर आप बिगिनर हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आप इसमें अपना हाथ स्टमक पे ऊपर रख सकते हैं, एक्सहेल करते हुए थोड़ा सा स्लाइटली सा अपने पेट को अंदर की तरफ ऐसे पुश भी कर सकते हैं। सो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि जब भी एक्सहेलेशन करना है तो पेट अंदर की तरफ ही जाएगा। देखिए इस तरह एक लंबा गहरा श्वास लें एंड एक्सहेल। इसमें सिर्फ एक्सहेलेशन करते हुए जो सांस की आवाज़ आ रही है,
इनहेल की कोई आवाज़ नहीं है, क्योंकि जो इनहेल का प्रोसेस है मैंने आपको पहले ही बताया है वो एक नेचुरल वे में होगा। आपका जो पूरा ध्यान है आपके एक्सहेल करते हुए ब्रेथ के ऊपर होना चाहिए। इनहेल जो है वो अपने आप, सांस अपने आप अंदर चली जाएगी। विद द प्रैक्टिस यू कैन इंक्रीज, इवन यू कैन डू 30 टाइम्स, फिर आप 30-30 के 3 राउंड्स भी कर सकते हैं, पर इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, बहुत कम भी नहीं करना। स्टार्टिंग में 10 से शुरू कीजिए, फिर 15 कीजिए, फिर 20 कीजिए, फिर 30 कीजिए, इस तरह। और ज़्यादा स्पीड से भी नहीं करेंगे इसको, और बहुत कम स्पीड से भी नहीं करेंगे, एक नॉर्मल स्पीड रखनी है। बहुत तेज़ तेज़ भी नहीं करना है, कई लोग ऐसे करते हैं, ये गलत वे है। एक बार मैं फिर आपको करके दिखाऊंगी, 20 टाइम्स स्लाइड्स। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें, एक गहरा श्वास लें, रिलैक्स। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। कपालभाति वेट को रिड्यूस करने के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, बहुत हेल्प करती है। पेट का जो ये पेट की चर्बी है, कपालभाति से डेफिनेटली जो है वो कम हो जाएगी। और तो इसके बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं, इससे फेस पे ग्लो आता है, फेस पे चमक आती है, मेंटल स्ट्रेस दूर होता है, एक रिलीफ मिलता है, तनाव को दूर करता है, डाइजेस्टिव से रिलेटेड मैंने आपको पहले बताया जो प्रॉब्लम्स हैं दूर होती हैं, माइंड स्टेबल रहता है। प्रिकॉशंस क्या है, जिनका बीपी हाई रहता है वो, अगर बहुत ज़्यादा बीपी हाई है तो इसको अवॉइड करें, अगर कम थोड़ा लेवल का है तो इसको हम बिल्कुल धीरे धीरे कर सकते हैं, जो स्पीड मैंने आपको बताई है उससे थोड़ा और कम, इस तरह से। और 10-10 टाइम्स के 3 राउंड्स कीजिए। और क्या प्रिकॉशंस है, हार्ट पेशेंट्स हैं वो इसको अवॉइड करें, कोई पेट की सर्जरी हुई है, इवन इफ़ यू आर इन योर पीरियड्स, इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, देन अवॉइड कपालभाति। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस देखने के लिए थैंक यू।